फ्री फ्री के चक्कर में हमारे घर को, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने नशे की लत लगा दी है एक बोतल के साथ एक फ्री देकर, और उस घर में उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे क्या? मतलब रोजगार तो खत्म कर ही दिया है उन्होंने। तो MCD के चुनाव में सबका आगाज जब होता है तो सब अपनी दम दिखाने के लिए लगा रहते हैं, तो जोश देख सकते हैं BSP का। मैम आप चुनाव के लिए खड़ी हुई हैं, सामने सामने भाजपा पार्टी है और आम आदमी पार्टी है, क्यों आप अपना समय बर्बाद कर रही हैं जब जीत की उम्मीद दिख नहीं रही है? सर समय बर्बाद नहीं कर रहे, हमें अपनी जीत के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि BJP और आम आदमी पार्टी से हमारी गढ़ौली वार्ड की जनता इतनी परेशान हो चुकी है कि वो अब उन्होंने पक्का मन बना लिया है कि हम इन दोनों को दोबारा से नहीं आने देंगे नगर निगम में जी। आपको लगता है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कुछ कार्य नहीं किया यार? कुछ नहीं किया, हम जहाँ अपने वार्ड में हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग यही कह रहे हैं कि इतनी महंगाई कर रखी है BJP ने और आम आदमी पार्टी ने, फ्री फ्री के चक्कर में हमारे घर को, हमारे बच्चों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने नशे की लत लगा दी है एक बोतल के साथ एक फ्री देकर, और फ्री का राशन देकर बिजली पानी फ्री करके कोई फ्री नहीं है, बस लुहावना। ये तो आम आदमी पार्टी की बात भी, भाजपा ने क्या बुरा कर दिया? भाजपा ने इतनी महंगाई कर रखी है कि घर घर हर घर में मतलब रोजगार तो खत्म कर ही दिया है उन्होंने, और हर घर में ये देख लीजिए कि जो गैस जिसमें खाना बनता है वो सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है कि जो आम आदमी है वो उसको खरीद नहीं पा रहा इतनी महंगाई होने के बाद। ये तो देश का मुद्दा होगा इनडायरेक्टली, हम MCD की बात कर रहे हैं क्योंकि MCD के लिए आप चुनाव लड़ रही हैं। MCD में अगर आप आती हैं तो क्या कुछ अलग करेंगे जो ये दोनों पार्टी नहीं कर पाएंगे? सर BJP ने नगर निगम में अभी तक MCD के कर्मचारियों की 6-6, 7-7 महीने हो गए उनको सैलरी नहीं मिली है। अब बताइए जिस घर में एक कमाने वाले व्यक्ति हो और उस घर में उसको सैलरी नहीं मिलेगी तो उसके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे क्या? तो हम ये चाहते हैं कि नगर निगम में अगर बहुजन समाज पार्टी की जितने से ज़्यादा पार्षद जीत कर जाते हैं तो निगम के अधिकारियों से मिलकर हम MCD के कर्मचारियों को पक्का कराने का काम तो बाद में ही होगा, लेकिन उनको हर महीने वेतन दिलाने का कार्य किया जाएगा जिससे कि हमारा जो भोला भाला समाज है, वो गरीब जनता है, अपने बच्चों का भरण पोषण सही ढंग से कर सके। जोश लग रहा, कमजोर हो गया या फिर शांत हो गया आपकी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, हम ये अभी आपकी बातचीत चल रही है इसलिए शांत है सब। अच्छा एक सवाल हमारा, ये महिला कोटा निकला था यहाँ पे, मजबूरी में चुनाव खड़ी हुई है ना? नहीं सर मजबूरी में नहीं, मजबूती से खड़ी हुई हूँ मैं। अरे गजब जवाब, बिल्कुल सही दिया। तो बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी अपना अपना जोश दिखा रही है, अब आने वाला वक्त बताएगा कि जनता किस पे बटन दबाकर किसको सपोर्ट करेगी। अभी के लिए इतना ही, कैमरामैन प्रतीक के साथ मैं मोहित शुक्ला, ऑथम न्यूज़।